हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड मस्ती मैजिक। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पनीर भुर्जी की रेसिपी। ये एक डाइट रेसिपी है, आप अगर डाइट कर रहे हैं तो इसे आप बना सकते हैं, ये बहुत ही मज़े की लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पैन में हमने 1/2 इंच या 1 टीस्पून बटर लिया है। आप 1 टीस्पून प्योर घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून। इसे हम थोड़ा सॉटे कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम लो रखेंगे। इसे थोड़ा भून लेने के बाद इसमें हम डालेंगे चॉप लहसुन। 7 से 8 लहसुन लिया है हमने, इसे फाइनली चॉप किया है। इसे भी हम थोड़ा ब्राउन कर लेंगे। भुना हुआ लहसुन का फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है। अब इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज। हमने यह 4 ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप किए हैं। यहाँ हमने 250 ग्राम पनीर लिया है, जिसे हम हाथ से स्क्रैम्बल कर लेंगे। ये हमने बाहर का पनीर लिया है, रेडीमेड वाला। आप पनीर घर पे भी बना सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है, हम किसी दिन ज़रूर शेयर करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 2 मीडियम साइज़ की प्याज फाइनली चॉप की हुई। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ ट्रांसलूसेंट होने तक भून लेना है। ये देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। ये एक बहुत ही सिंपल डिश है, बहुत झटपट बन जाती है। अब हम डालेंगे इसमें 1 टमाटर चॉप किया हुआ, और ये तीनों कलर की हमने कैप्सिकम्स ली है थोड़ी थोड़ी, वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ये। बस इसे हम 1 मिनट तक सॉटे कर लेंगे। इसे भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, वेजिटेबल्स हमें क्रंची चाहिए तो हम इसे बस थोड़ा सा ही सॉटे कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम सूखे मसाले, जो है काली मिरी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। अब इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। हम इसे अराउंड 1 मिनट तक भून लेंगे। ये डाइट के लिए परफेक्ट रेसिपी है। आपके डाइट में पनीर तो होता ही है। अगर आपके डाइट में 200 ग्राम पनीर है तो आप 200 ग्राम पनीर डाल दीजिए इसमें। आप वेट कर आपका पनीर इसमें डाल सकते हैं, और जितने वेजिटेबल्स आपको डालनी आपकी मर्जी इसमें आप ऐड कीजिए। और देखिए ये अभी हमने पनीर डाल दिया है इसमें, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे 2 मिनट तक ही पकाएंगे, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना ये बहुत ड्राई ड्राई लगेगा आपको। ये देखिए अभी तो वेजिटेबल्स भी बहुत क्रंची है, और पनीर भी हमारा एकदम सॉफ्ट क्रीमी लग रहा है। इसे आप चपाती के साथ या ब्रेड के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम फ्रेश धनिया, और अगर आपको कोई कार्ब्स नहीं खाना है तो आप पनीर को ऐसे ही स्पून से खा सकते हैं। तो ये है हमारी पनीर भुर्जी, जो कि बहुत ही यम्मी डिश है और बहुत ही सिंपल और ईजी है। चलिए इसे गरम गरम सर्व करेंगे। आप इसका रोल बनाकर भी बच्चों को दे सकते हैं। पनीर एक प्रोटीन रिच फूड है, जो बच्चों के लिए हेल्दी होता है। तो आप लोग इसे ज़रूर बनाएं, और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो चलो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।